प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। दलित छात्र की पिटाई से मौत के बाद पूरे जिले में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। परिजनों के साथ साथ इलाकाई लोगों में भी इस घटना को लेकर उपद्रव कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दलित बच्चे की मौत से तनाव, क्लास में बेहोश मिला था छात्र, भीड़ ने कार को किया आग के हवाले, आगजनी से थर्राया इलाका। उत्तर प्रदेश के औरैया में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत के बाद तनाव बढ़ता जा रहा है। छात्र की मौत के बाद उपद्रवियों ने पुलिस की दो गाड़ियों में आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान जिलाधिकारी के वाहन में भी तोड़फोड़ की गई है। हालांकि घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस और पुलिस अधीक्षक के साथ साथ जिलाधिकारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आक्रोशित लोग छात्र के हथियारों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। आगजनी की सूचना पर घटनास्थल पर आईजी और कमिश्नर मौके पर पहुंचे और आईजी ने उपद्रवियों को शांत करने का प्रयास किया। इसके साथ ही कमिश्नर ने मृत छात्र के परिजनों से बात करके न्याय दिलाने की बात कही है और कमिश्नर की मौजूदगी में पीड़ित परिवार को मदद के तौर पर चेक भी प्रदान किया गया। विद्यालय में पढ़ने आए थे, जो ठाकुर समाज का अध्यापक है उसने जातिवाद के तहत उसको इतनी बेरहमी से मारा, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं? हमारी ये है कि हमारे पीड़ित हमारे बच्चे को, हमारे परिवार का मुआवजा दिया गया। फिर क्या रहा है? देखिए, एक दुखद प्रकरण हुई है जहाँ पे कि 15 साल के बच्चे का जो है वो मौत हुई थी, तो उसी को लेकर जो है यहाँ पे ये घटना घटी थी आज शाम को। उसको देखते हुए जैसे ही ये संज्ञान में आ गया तो प्रशासन पुलिस ने तत्काल से कार्रवाई की है और मौके पे पहुँच के जो है चीज़ें उसको हैंडल कर ली हैं और उनके परिवारजनों के साथ जो है पूरा प्रशासन जो है लगातार वार्ता में है और सभी बिंदुओं पे जो है वो वार्ता हुई है और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई करनी है प्रशासन कार्रवाई बिल्कुल करेगा इस पे, और जिन्होंने भी जो है शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया है उनको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अछलदा थाना क्षेत्र के फुफुंद रोड पर आदर्श इंटर कॉलेज में वैशाली का रहने वाला निखित कुमार पढ़ता था। पढ़ाई के दौरान छात्र की शिक्षक ने पिटाई की थी, इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। निखित के पिता राजू दोहरे ने बताया था कि इसी महीने 7 सितंबर को शिक्षक अश्विनी सिंह ने क्लास में टेस्ट लिया था और टेस्ट की कॉपी में बेटे ने कुछ गलतियां कर दी थी। बस इसी बात को लेकर गुस्से में शिक्षक ने बेटे को इतना मारा कि वो क्लास में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके साथ ही मृतक छात्र के पिता ने बताया कि इसकी जानकारी कॉलेज के अन्य छात्रों से परिजनों को मिली। जब हम लोगों ने वहां जाकर देखा तो निखित क्लास में बेहोश पड़ा था और मौके से आरोपी शिक्षक कॉलेज से भाग गया था। उसके बाद जो हुआ उससे सबका दिल दहल गया। परिजनों के मुताबिक छात्र को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया और 20 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए आखिरकार छात्र ने दम तोड़ दिया। हालांकि परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद से पुलिस आरोपी शिक्षक की तलाश कर रही है। इसके साथ परिजनों ने छात्र के शव को सीधे कॉलेज लेकर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसे ही इस घटना की जानकारी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को हुई तो स्कूल और मृतक के घर पहुंचकर बवाल करने लगे, अपनी मांगों को प्रशासन से सामने रखी और पीड़ित परिजनों को 50 लाख 2 एकड़ जमीन के साथ एक सरकारी नौकरी और आवास सहित आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की जाए। कानपुर आईजी व कमिश्नर के साथ जिला प्रशासन की मौजूदगी में दलित बच्चे के शव को दाह संस्कार किया गया। फिलहाल इस कड़ी में बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही अपराध जगत से जुड़ी हुई प्रदेश की तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।